कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गोपाल यादव और मैं आप सभी को सीएलआर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ देखे थे और अभी हम लोग आज देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर दो तरह के होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है और उसका डेरिवेशन करेंगे, उसके बेसिस पे कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में होता क्या है कि हम लोग बहुत सारे रेजिस्टर्स को कंबाइंड करके देखते हैं सीरीज में और पैरेलल में, और उसके बेसिस पे, क्योंकि देखो कहीं भी हम लोग आगे जब इंजीनियरिंग करेंगे या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह या जो हमारा हाउस होल्ड जो वायरिंग होती है सब में रेजिस्टर होती है। और रेजिस्टर होती क्या है, हम लोग ओम्स लॉ में अच्छे से रेजिस्टर, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़े हुए थे। ओके, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो अपोजिशन ऑफ करेंट, मतलब करेंट को जो अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर भी हमने बताया था कि रेजिस्टर एक डिवाइस होता है अलग से जो कि करंट के फ्लो को रोकने के लिए, धीमे करने के लिए हम लोग बाहर से एक एक्सटर्नली लगाते हैं। ठीक, अगर कंडक्टर के तौर पे अगर हम लोग बोले तो कंडक्टर के अंदर तो रेजिस्टेंस होता ही है, लेकिन जब हम लोग कोई सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जो हमारा फैन हुआ या लाइट हुआ वो सब भी क्या है, रेजिस्टर ही है। वो भी करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, धीरे करता है। ओके, तो रेजिस्टर है। तो इसमें दो तरह के रेजिस्टर होते हैं और दो तरीके से हम लोग इसको कंबाइन करते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज में हम लोग करते क्या है कि सीरीज में एक चेन की तरह रेजिस्टर को ऐड किया जाता है, मतलब एक जैसे चेन आप लोग देखते हैं ना, जो लोग गले में पहनते हैं वो भी, और मतलब जो साइकिल वगैरह में चेन रहता है, बाइक्स में चेन रहता है या और भी चेन होते हैं, तो उसकी तरह वो मतलब वन एंड से दूसरे एंड को कनेक्ट किया जाता है। जैसे सीरीज में हम लोग रेजिस्टर को ऐसे जोड़ते हैं, ये हुआ, इस तरह से कुछ रहेगा। ओके, दो पॉइंट है, ये मैं R1 मान लिया, R2, R3 और आगे भी जितना है करना होगा, ऐड होते रहता है, बहुत सारे एंड तक जाता है। ओके, तो सीरीज मतलब एक से एक का जहां पे एंड हो रहा है वहां से दूसरे का स्टार्ट हो रहा है, फिर दूसरे का जहां एंड हो रहा है वहां तीसरे का स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोग एक सीरीज में इसको कंबाइन करते हैं, किसको, रेजिस्टर को। अब रेजिस्टर पे R1 मतलब एक पहला रेजिस्टर, R2 मतलब दूसरा रेजिस्टर, R3 मतलब तीसरा रेजिस्टर। तो इसके जगह पर हम लोग यहाँ पे जैसे बल्ब लगाते हैं, बल्ब लगा दिए, बल्ब पे कुछ ऐसा ही सिंबल था ना। ओके, इसको B1 बोल देंगे, B2 बोल देंगे, B3 बोल देंगे, और मतलब R1 के जगह पे बल्ब भी एक रेजिस्टर के काम ही करता है, जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि जितनी भी बल्ब होती है, फैन जो हमारे घर में चलते हैं और भी जो अप्लायंसेस जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे चलाते हैं, वो सब क्या है, रेजिस्टर का काम करता है। ओके, वो कहीं ना कहीं करंट को रोकती है, उसको आगे बढ़ने से। अगर मान लो बल्ब नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा मान लो ये है एक वायर है, इसमें करेंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कोई भी अप्लायंसेस नहीं लगाया है, कोई भी मतलब बल्ब फैन, तो वो क्या है, यहाँ से चालू करेगा यहाँ तक मतलब वो फ्लो करते रहेगा, लेकिन बीच में बल्ब लगा दिए, फैन लगा दिए, कुछ और रजिस्टर लगा देते, क्या हुआ, ये कुछ यूज करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और मतलब ये क्या करेगा, करेंट के फ्लो को रोकेगी, धीमे करेगी, यूटिलाइज करेगी उसको। ओके, तो ये हमारा क्या है, सीरीज। और वैसे ही पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल का मतलब क्या होता है, आमने सामने। ओके, तो पैरेलल में ऐसे करेंगे इसको, एक ऐसे हो गया,
फिर यहाँ से हम एक और ले लेंगे, देखो पैरेलल यही होता है ना, अगर ऊपर ले लेंगे एक और, ये कुछ ऐसे होंगे, ओके, और ये कनेक्ट कर देंगे और कुछ ऐसे, अगर बैटरी हम लोग कनेक्ट करते हैं तो बैटरी इससे कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया पैरेलल रजिस्टर। देखो एक दूसरे के जो आर वन है पैरेलल टू क्या है आर टू और आर थ्री, मतलब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा ही होता है ना। तो ये तो बेसिक है कि चलिए सीरीज में कुछ ऐसे करते हैं और पैरेलल में ऐसे, मतलब ये डायग्राम हम लोग देखते हैं इस टाइप के करते हैं। लेकिन जब हम लोग इसके बारे में जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो उसमें कुछ चीजें होती है कि करंट कैसे वैरी करता है और वोल्टेज कैसे वैरी करता है, मतलब डिवाइड करता है। अब जैसे मान लीजिए करंट है तो सीरीज में करंट कैसे वहां पे सेम रहेगा या अलग रहेगा, ओके, और पैरेलल में सेम रहेगा या अलग रहेगा, ऐसा कुछ होता है, तो हम लोग वो पहले देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे इस, ये जो ये तो बेसिक हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा डायग्राम रहेगा और पैरेलल में हम लोग ऐसे करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ये वोल्टेज अगर लगा दिया, ओके, तो वोल्टेज जा रहा है तो इसमें करंट भी फ्लो करेगा, आई, तो करंट कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, वोल्टेज कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। तो इसको थोड़ा रब कर लेते हैं और एक स्पेस हम लोग बनाते हैं, नया टॉपिक डालेंगे डिवाइडिंग करेंट एंड वोल्टेज इन सीरीज एंड पैरेलल, ये हमारा टॉपिक रहेगा, मतलब करेंट और वोल्टेज जो होता है सीरीज और पैरेलल में कैसे डिवाइड होते हैं, डिवाइडिंग करेंट एंड वोल्टेज इन सीरीज एंड पैरेलल। करेंट एंड वोल्टेज इन सीरीज और पैरेलल, मतलब ये सीरीज और पैरेलल में कैसे वेरी करते हैं करेंट। तो पहले करेंट को हम लेते हैं, ओके, मान लीजिए एक डायग्राम है ये और करेंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट किया करेंट, अब यहां जा करके एक ये रास्ता हो गया इसका, एक ये और एक ये, ठीक, तीन रास्ता हो गया यहाँ पे, ओके। जब तीन रास्ता हुआ तो आप सोचेंगे, इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे कि मान लो देखते होंगे आप लोग मूवी वगैरह में, और शोले का एक डायलॉग है ना कि आधे लेफ्ट जाओ आधे राइट जाओ बाकी मेरे साथ हो, ये आप लोग बहुत ही मतलब अच्छा कॉमेडी होता है इस पर। तो क्या होता है कि वो शोले में जो पुलिस वाले होते हैं सब झुंड में रहते हैं, तो वैसे क्या होता है करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं झुंड में रहते हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग करंट बोलते हैं ना, तो यहाँ तक झुंड में आएंगे। और यहाँ देखो तीन रास्ते हो रहे हैं, क्या हो रहा है तीन रास्ते, तो कुछ पुलिस वाले इधर जाएंगे, कुछ पुलिस वाले इधर जाएंगे और कुछ पुलिस वाले इधर जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट से मान लो ये एक सड़क से होकर के आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये सड़क जो है तीन रास्ते में बट जाता है, ऐसा ही होगा ना। तो तीन रास्ते में अगर बट जाएगा तो ये क्या करेगा, तीनों में अलग अलग कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, कुछ लोग इधर और कुछ लोग इधर चले, तो वैसे ही करेंट इस पॉइंट पे आएगा और कुछ इस रास्ते जाएगा, कुछ इस रास्ते जाएगा और कुछ ये रास्ते जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, ये आगे जा करके इसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं, क्या बोलते हैं पैरेलल, ओके, और ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे जो करंट ये आई आ रहा है इस पॉइंट से यहाँ पे गया, ये आई वन हो गया, ओके, ये आर वन आर टू और आर थ्री, रजिस्टर भी लगा दिया मैंने आप लोगों को समझने के लिए कि आपको इजी समझ में। इस रास्ते जो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई टू चला गया, और ये जो आर थ्री के रास्ते जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे आई थ्री, ओके। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आकर के फिर ये मिल जाएगा तीनों, मतलब आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री मिल करके, फिर आई जो यहाँ से यहाँ आया तो वही आई फिर से यहाँ आई फ्लो हो जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब हुआ ना कि ये रास्ते एक रोड था, यहाँ पे जो सैनिक थे पुलिस वाले वो तीन रास्ते में बट गए,
और फिर ये तीनों रास्ते यहाँ पे आकर के एक दूसरे पॉइंट में मिल गया और फिर यहाँ से फिर वो रोड कंटिन्यू हो गया। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि करंट जो है सीरीज में बढ़ रहा है, समझ में आया? करंट क्या है? सीरीज में बढ़ रहा है, यानी कि पैरेलल में वो क्या होता होगा? नहीं बढ़ता होगा, पैरेलल में तो इसके उल्टा होगा ना। करंट अगर सीरीज में बढ़ रहा है तो पैरेलल में क्या हो रहा होगा? वो सेम रहता होगा। ओके, तो चलो लिखते हैं, नोट करके लिखेंगे कि करंट डिवाइड्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। ओके, ये हो गया। इसके अलावा हम एक और लाइन लिख सकते हैं कि करंट, एक और नोट लिख देते हैं, करंट विल बी सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब ये क्या है कि अगर सीरीज में वो बढ़ रहा था तो पैरेलल तो उसके अपोजिट है, यानी कि उसमें क्या हो रहा होगा? सेम रहता होगा, समझ में? तो ये हमारा सीरीज के देख लिया। अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल के लिए देखेंगे कि पैरेलल में ये सॉरी वोल्टेज के लिए देखेंगे कि वोल्टेज आखिर मतलब सीरीज में या पैरेलल में क्या होता है। ओके, तो वोल्टेज के लिए देखेंगे तो इसके लिए हम एक चीज बनाते हैं सिंपल। हम लोग देखेंगे कि अच्छा मान लो हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी डायग्राम में एक मिनट देख लेते हैं, इसी डायग्राम में कहीं जाना नहीं है। वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं बैटरी, बैटरी क्या है? ये वोल्टेज है, बैटरी से ही वोल्टेज हम लोग सप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पे वी लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, स्पेस बना देंगे, इसी डायग्राम में हम अच्छे से समझ आपको आ जाएगा। ये वी हो गया। तो देखो वोल्टेज का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कहीं दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। क्या होता है? दो पॉइंट के, तो वो दो पॉइंट क्या हो गया? मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। ओके, तो इन दोनों के बीच में सेम ही वोल्टेज रहेगा ना, सेम ही रहेगा ना, चाहे ये बीच में करंट पैरेलल हो या कुछ भी हो। इसमें यहाँ पे पैरेलल है तो यहाँ पे देखो दो पॉइंट, दो पॉइंट के अंदर में ये पैरेलल लिया है मैंने ना, R1, R2, R3 जो यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टर है तो वो क्या है? इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दो पॉइंट के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, इन तीनों के लिए सेम रहेगा, समझ में आया? इन तीनों के लिए सेम रहेगा क्या? वोल्टेज। ओके, और इसके अलावे एक और चीज हम लोग देखेंगे, अगर मैं इसको सीरीज देता हूँ, सीरीज R1 R2 और R3, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लो ये बैटरी को कनेक्ट कर दिया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब देखो अब क्या करेगा कि जब सीरीज में होगा तो देखो पैरेलल में लोग देखें कि क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि वोल्टेज जो यहाँ जाएगा, ठीक, यहाँ जाएगा तो इस पॉइंट पे और यहाँ पे कुछ और वोल्टेज होगा, यानी कि यहाँ पे R1 के लिए V1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो पॉइंट बढ़ रहे हैं, दो बढ़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कुछ V2 होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, कुछ वोल्टेज इसको देगा R1 को, कुछ देगा इसको और कुछ देगा इसको R3 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V3। ओके, समझ में? जैसे यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम लोग लिए थे रजिस्टर का तो वोल्टेज क्या था? सेम था, क्योंकि दोनों पॉइंट के अंदर में ही ये पैरेलल था। अब यहाँ क्या हुआ कि सीरीज में लिए तो सीरीज में क्या हुआ? एक पॉइंट दो पॉइंट, फिर इसके लिए एक पॉइंट दो पॉइंट, मतलब हर एक के लिए दो दो पॉइंट अलग हो रहा है, यानी कि दो दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता होगा। तो इसीलिए इसके ये पॉइंट और इस R1 के लिए दो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट और ये, तो इसके लिए V1 आ गया, R2 के लिए ये पॉइंट और ये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो ये हो गया V2, और R3 के V3 हो गया। ओके, और करंट इसमें तो सेम है, इसमें डिस्कस कर ही लिए, इसमें करंट सीरीज में क्या होता है? सेम, यहाँ पे मैंने लिखा भी है सेम इन पर सॉरी क्या सीरीज में करंट विल डिवाइड इन सीरीज नहीं पैरेलल में डिवाइड लिखा है, डिवाइड इन
पैरेलल, यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया, आप लोग सुधार लीजिएगा, पैरेलल में डिवाइड होते हैं, और सेम किस में होता है, सीरीज में, करेंट सीरीज में सेम होता है। ओके अभी हम लोग देखा, अब वही नोट, सेम नोट हम लोग वोल्टेज के लिए लिखेंगे, फिर से नोट लिखेंगे और अब लिखेंगे वोल्टेज के लिए। वोल्टेज के लिए क्या लिखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सेम रहती है, देख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है, वी है, और वही सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, डिफरेंट रहती है, क्या होती है, डिफरेंट रहती है। चलिए देखते हैं, लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। ओके पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या रहेगा, सेम रहेगा, और सीरीज में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा लिखने के लिए एक स्पेस बना लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका रहेगा पैरेलल में वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और सीरीज में, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस विल डिफर, विल डिफर मतलब वैरी करते रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो वैरी कर रहा है, सीरीज आर वन के लिए वी वन है, आर टू के लिए वी टू है, एंड आर थ्री के लिए वी थ्री है, ठीक। तो आई होप कि समझ में आ गया होगी कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, डिफर रहता है, और पैरेलल में सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। वैसे ही करंट क्या होता है, पैरेलल में, सीरीज में सेम रहेगा और पैरेलल में डिफरेंट रहेगा। ओके तो ये थी जो बेसिक, अभी जो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो ये चीज यूज आएंगे। और क्या होता है ना कि ये सारे चीज हम लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारे टीचर जो होते हैं स्कूल्स में और कोचिंग में टेंथ में ही छोड़ देते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ करेंट जो है सेम रहेगा और पैरेलल है तो डिफरेंट रहेगा, उसका कोई लॉजिक देते नहीं है। वहाँ बच्चे क्या हो जाते हैं, हमें भी ऐसा ही बताया जाता था और हम लोग कंफ्यूज करते थे कि अरे यार मतलब सीरीज में सेम क्यों है, पैरेलल में डिफरेंट क्यों है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम क्यों है और सीरीज में डिफरेंट क्यों है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे ताकि हम आगे डेरिवेशन में यूज करते समय आप कोई मुसीबत में कोई कन्फ्यूजन में ना रहे, इसलिए ये टॉपिक को मैंने अलग से डिस्कस किया। अदरवाइज ये टॉपिक कुछ डिस्कस करने के लायक नहीं है, बट चाहो तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये नहीं समझ में आता है तो ये कन्फ्यूजन बनी रहती है कि कैसे सीरीज में सेम रह गया करेंट और पैरेलल में डिफरेंट रहा। तो अभी डायग्राम के थ्रू जो मैंने बताया तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्यों होता है, उसका एक रीजन होता है कि करेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी एक रास्ते पे, और वो रास्ते अगर बदल जाएंगे, मान लो तीन पार्ट में वो रास्ते टूट जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कुछ पार्ट होंगे सब तीनों रास्ते में डिवाइड हो जाएंगे, बट जाएंगे। ओके तो वो क्या कहलाती है, पैरेलल। और सीरीज में क्या होता है, एक ही रास्ते से जाना होता है करंट को, सीरीज में क्या होता है, एक ही रास्ते से करंट को जाना होता है, इसलिए वहां पे करंट क्या रहती है, सेम रहती है। मान लो एक ही रोड से हमें सीधे जाना है, तो 100 लोग हैं एक ही रोड से जाना है, तो वो क्या हो गया, हम लोग सेम जाएंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन ऑफ सीरीज एंड
पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पहला देखेंगे सीरीज, ओके। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे कि रजिस्टर लिए और कुछ इस तरह से सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिए। रजिस्टर हमारा क्या होता था, रजिस्टर क्या है, बल्ब हुआ, फैन हुआ, ये सब जो अप्लायंसेज है ये सब क्या रजिस्टर है, वो रजिस्ट करता है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, मतलब तीन रजिस्टर मैंने लिया और उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ओके। तो छोड़ो लिख देते हैं, आर वन है ये आर टू है एंड ये आर थ्री है। अब इसके साथ मैंने क्या किया कि बैटरी को भी कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट किया, यानी कि बैटरी क्या देगा, वोल्टेज देगा। अब देखो जब ये वोल्टेज देगा तो हमारा करंट क्या होगा, सेम होगा, करंट आई जो है यहाँ पे फ्लो करेगी, करंट आई। और वोल्टेज यहाँ पे आप ध्यान से देखो, वोल्टेज यहाँ पे अलग अलग रहेगा, यानी कि R1 के लिए क्या रहेगा बेटा, R1 के लिए हमारे पास रहेगा V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3, ओके। ये मतलब यहाँ यहाँ पे ये क्या है, ये डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है V1 है, यहाँ से यहाँ के बीच में V2 और यहाँ से यहाँ के बीच में V3, इसको डिवाइड मत समझ लेना, ओके। तो अब देखेंगे कि हमारा एक सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने लिया यहाँ पे, वहां से या बैटरी को कनेक्ट किया तो करंट फ्लो होने लगा, क्योंकि ये सीरीज है तो करंट जो है सेम उसमें मूव करेगा, जो यहाँ से इंटर किया मान लो 5 एम्पियर इंटर किया तो यहाँ आकर के फिर ये 5 एम्पियर ही मिला। लेकिन ये पोटेंशियल जो बैटरी दिया सब रजिस्टर के लिए अलग अलग है, क्या है, सब के लिए अलग अलग है, अभी हमने इससे जस्ट पहले यही पढ़ा है, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, अब हमें पता है कि चूंकि ये डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है तो जो डिवाइड होता है ना हम लोग उसको कैलकुलेशन में लेते हैं, जो बट रहा है ना उसको कैलकुलेशन में लेंगे। तो यहाँ पे बट क्या रहा है, पोटेंशियल। तो मान लो ये जो टर्मिनल है पूरा को, ये जो दो टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये सर्किट का इसको मान लो या इसको मान लो, तो कोई भी दो टर्मिनल ले लो, तो टर्मिनल के अंदर कितना वोल्टेज है ये टोटल, तो टोटल तो ये है लेकिन टुकड़ों में क्या है, V1, V2 एंड V3। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि टोटल वोल्टेज क्या है, VT, यानी मतलब कि वोल्टेज इन टर्मिनल, मतलब ये क्या बोलते हैं सर्किट के जो टर्मिनल है उसमें जो टोटल वोल्टेज है उसको VT मैंने माना। अब टोटल कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तीन पार्ट में, कौन कौन, V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके, यही तीन में हुआ ना। अब देखिए हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे, ओम्स लॉ क्या पढ़े थे, V इक्वल टू आई आर पढ़े थे ना, V इक्वल टू आई आर पढ़े थे। तो यहाँ पे VT के लिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि I और RT, मतलब V इक्वल टू आई आर, तो I तो करंट सेम है तो I सेम लिया, और जैसे कि टर्मिनल वोल्टेज है ये, तो टर्मिनल रेजिस्टेंस को मैंने क्या लिया, RT, टर्मिनल रेजिस्टेंस को क्या लिया, RT लिया। अब वैसे ही V1 के लिए क्या लेंगे, I तो सेम है तो I सेम ले लेंगे, और R V1 में क्या है, R1 है, ओके। R2 में क्या है, I कॉमन है और रेजिस्टेंस R2 है, ओके। R3 में क्या है, I कॉमन है एंड रेजिस्टेंस क्या है, R3 है, ओके। अब देखेंगे यहाँ पे एक स्टेप लेंगे, ये चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे सब में, अगर इस साइड में आई आर है तो आई आर टी रख लिया, और इधर आई को मैंने कॉमन ले लिया, यहां से सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया, और आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ये यहाँ पे आ गया। अब देखो ये आई और ये आई गया, ये और ये आई दोनों गया, कट गया, बच क्या गया, आर टी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो गया ना। इसको हम लोग R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n नंबर का रेजिस्टेंस, मतलब तीन के जगह 5 6 7 8 9 जितना हमें लेना है, मतलब n तक,
तो अगर n लेंगे तो यहाँ क्या होगा, प्लस n आर एन रहेगा। समझ में आया, ये जनरल फॉर्मूला है कि इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे एक बात समझ में आया यहाँ पे कि सीरीज में जो है पोटेंशियल डिवाइड होते हैं, सीरीज में क्या होता है पोटेंशियल डिवाइड होते हैं एंड करेंट सेम होता है। ये जो चीज है ना, दो बार बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए मैंने स्पेशल वो जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था, फर्स्ट टॉपिक इसीलिए पढ़ाया था कि आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें भी ऐसे ही पढ़ाया गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन लिया, सीरीज में डायरेक्ट बोल देते थे कि करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंस हो। क्यों होता है भाई, क्यों होता है करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंस, इसीलिए मैंने पिछला टॉपिक जो अभी पढ़ाया आपको। ठीक, तो अभी पिछले टॉपिक से क्लियर हो गया था कि पोटेंशियल डिफरेंट होता है और करंट सेम होता है, किसमें, सीरीज में, और जो डिफरेंट होता है उसी को हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं। ये याद रखना, जो बढ़ता है ना उसी को हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे डिराइव करने के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, जो बढ़ रहा है उसको हम लोग डिराइव के लिए कैलकुलेशन में लेंगे। ओके, आप देखेंगे सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है पैरेलल, तो पैरेलल भी देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का, जिससे कि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए। और डेरिवेशन तो सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं, ये याद रखना आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो रजिस्टर को हम लोग पैरेललिस कनेक्ट करेंगे, जैसा कि लास्ट टॉपिक में अभी जस्ट बताया था। तो चलिए देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। एक वायर है, मतलब एक रोड जा रहा है, ये रोड तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या हो गया, ये रोड तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। ये बन गया आर वन के लिए, ये आर टू और ये आर थ्री। ओके, ये कुछ ऐसे यहाँ जाएगा, यहाँ पे आकर के फिर वो रोड मिल गया, फिर वो क्या हो गया, रोड मिल गया। यहाँ पे क्या था, आई फ्लो कर रही थी। अब चूंकि ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, और फिर यहाँ पे ये तीनों से वो करके जो इस आर वन में जो करंट फ्लो करेगी उसको क्या बोलते हैं, आई वन। आर टू में करंट जो फ्लो करती है उसको क्या बोलते हैं, आई टू। एंड आर थ्री में जो करंट फ्लो करती है उसको क्या बोलते हैं, आई थ्री। और ये तीनों जाकर के यहाँ पे मिल करके फिर से क्या होता है, आई होने लगता है। और ये आई क्या रहता है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, यही होता है ना, ये आई का इक्वल टू, ये तीनों जुट करके फिर यहाँ मिल जाते हैं। ठीक, तो अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन में लेते, अब यहाँ पे क्या बढ़ रहा है एक चीज देखिए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। ये दो पॉइंट हमने देखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होती है, सेम रहती है, और करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख लो यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, आई वन आई टू आई थ्री में बढ़ गया, और पोटेंशियल वी जो है सबके लिए सेम है। ठीक, वी सेम क्यों है, अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ाया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वी क्यों सेम है सर। ओके, तो चलिए जो बट रहा है उसको हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे, जो बट रहा है उसको कैलकुलेशन में लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लेंगे। अब बट क्या रहा है, आई जो है, ये जो आई छोटा वाला, यहाँ पे छोटा आई लिया है, तो चलो छोटा ले लेते हैं, इसको आई टर्मिनल मान लेते हैं बड़ा लिख करके। आई टर्मिनल मतलब ये पूरे टर्मिनल में जो फुल जो सर्किट में मूव कर रहा है उसको आई टर्मिनल मान। वो तीनों किसमें, ये जो आई टर्मिनल है कितने भाग में टूटा, तीन पार्ट में, क्या आई वन आई टू एंड आई थ्री में टूटा। ओके, अब चूंकि हम लोग फिर से देखेंगे ओम्स लॉ कल देखे थे, तो उसमें क्या था, वी इक्वल टू आई आर, यही था ना। यहाँ से आई का क्या आया था, आई अगर हमें फाइंड आउट करना तो ये आर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि आई का फॉर्मूला आ जाएगा वी अपॉन आर। तो ये जो फॉर्मूला है I इक्वल टू वी अपॉन आर, ये यहाँ पे हम लोग सब में पुट करेंगे। ओके, तो चलिए
आई टी यानी कि वी, क्योंकि वी तो सेम है सब में, तो सब में अब वी सेम लेंगे, वी अपॉन आर यानी कि आर टर्मिनल, आर टर्मिनल या टर्मिनल ले या इक्विवेलेंट ले दोनों सेम रहेगा। आई वन है तो आई वन के लिए वी अपॉन आर वन, आई टू के लिए क्या होगा वी अपॉन आर टू, एंड आई थ्री के लिए क्या होगा वी अपॉन आर थ्री, हो गया। अब क्या करेंगे यहां से वी कॉमन ले लेंगे क्योंकि ऊपर सब में वी है, तो चलिए वी अपॉन आर टी है इसको लिख लेंगे, वी कॉमन ले लिया, और जब वी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सबके पास वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, यही बचेगा ना। अब देखो ये वी और ये वी कट गया, ये वी और ये वी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा वन अपॉन आर थ्री, ओके, मतलब टर्मिनल का जो रेजिस्टेंस है पूरा होल सब में कितना रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है वो है, और ये अब क्या आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। अगर एन नंबर सीरीज में हम लोग कनेक्ट किए रहेंगे बहुत सारा, मतलब 5, 10, 15, 20, 50, 1000, 10000, तो क्या हो जाएगा ये चला जाएगा बढ़ते बढ़ते वन अपॉन आर एन, मतलब एन नंबर तक चला जाएगा, ठीक। तो ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया, मतलब ये, लेकिन क्या करते हैं अब यहीं पे जब मैक्सिमम बच्चे जो है ना यहीं पे गलती कर देते, ये तो फॉर्मूला आ गया लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन जब निकालते हैं रजिस्टर का तो ये तो इसका फॉर्मूला है लेकिन आर इक्विवेलेंट यानी कि पूरा टर्मिनल में कितना रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है ना, ना कि वन अपॉन आर टी फाइंड आउट करना है, नहीं सिर्फ हमें आर टी फाइंड आउट करना रहता है, तो ये तो फॉर्मूले लगा के फाइंड आउट कर लेंगे लेकिन फाइनल जो आंसर आता है ना इसके रिवर्स करते हैं इसको, ये जो टर्मिनल है ना तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आर इक्विवेलेंट ही लिखाएगा, और आर इक्विवेलेंट में फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे, फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो वन बाई आर टी में नहीं लिखना है, जो आंसर आएगा ना वो सिर्फ आर टी में लिखना है, सिर्फ आर टी, वन अपॉन आर टी तो निकालेंगे लेकिन जो आंसर आएगा मान लो टू बाई थ्री आया, मान लो कि एक क्वेश्चन मान लो एग्जाम्पल के लिए कि ये वन अपॉन आर टी इक्वल टू टू बाई थ्री आ गया, ओके, ये फॉर्मूला लगाने के बाद, लेकिन हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए क्या सिर्फ आर टी, तो यहाँ पे आर आर टी करेंगे तो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये रिवर्स हुआ तो ये भी यानी कि थ्री बाई टू हो जाएगा। ये बार बार बच्चे गलती करते हैं आप लोग, ये हम लोग क्या करते हैं यही इतना ही निकाल के छोड़ देते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है इतना निकल गया, नहीं फाइनल आंसर उसको रिवर्स करना पड़ता है, तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ में आएगा। तो देखिए फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये करंट जो फ्लो कर रही है वो तीन रास्ते में बट गई, ठीक, आर वन के लिए आई वन हो गया आर वन, आर टू के लिए आई टू हो गया, और आर थ्री के लिए आई थ्री हो गया, और ये जो वोल्टेज है पूरा टर्मिनल में सेम है, ओके। तो यहाँ पे जो बट रहा है मैंने बोला था कि जो बट रहा है उसी को हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे, बट क्या रहा है करेंट, तो करेंट को हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे, पीछे सीरीज में कौन बट रहा था वोल्टेज, तो वोल्टेज को हम लोग कैलकुलेशन में लिए, अब चूंकि करेंट को कैलकुलेशन में लिए हैं तो ओम्स लॉ से करेंट का फॉर्मूला क्या होता है वी अपॉन आर, वी अपॉन आर ओम्स लॉ से अभी देखें, ठीक, तो हर जगह पे वी अपॉन जो आई वन के लिए वी अपॉन आर वन, आई टू के लिए वी अपॉन आर टू, और ऐसे करके कैलकुलेट करके हमारा फाइनल आंसर क्या आया, ये आया वन अपॉन आर टी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन, मतलब अगर एन तक है तो आर एन तक जाएगा, ठीक। तो अगर पांच नंबर लेंगे मतलब रजिस्टर पांच लेंगे तो आर फाइव तक जाएगा, रजिस्टर दस लेंगे तो आर टेन तक जाएगा, एक हजार लेंगे तो आर एक हजार तक जाएगा, तो जितना एन नंबर रहेगा उतना हम लोग यहाँ पे पुट करते जाएंगे और हमारा आंसर आते जाएगा, ओके। तो ये थी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे क्लोज होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ये इतना ही है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या होता है इसका अप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि बिना अप्लाई किए हुए फॉर्मूले भूल जाएंगे, फिर कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो एनसीईआरटी का ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस ही आपके बोर्ड वगैरह में नहीं आता, बोर्ड में तो एनसीईआरटी एकदम कन्फर्म, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते, और
सबसे अच्छी बात है कि जो आप लोग जो 10th के बोर्ड दे हुए या 12th वाले होते हैं, जो 12th के बोर्ड देते हैं CBSE, तो जिनके NCERT सिलेबस है, तो उनको पता नहीं रहता है क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस तो पता रहता है कि हमें NCERT को फॉलो करना है, बट क्या करते हैं कि वो दूसरे दूसरे बुक से पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाते हैं NCERT के एक्सरसाइज से ही आ जाता है। तो बहुत बच्चे होते हैं कि NCERT के छोड़ करके दूसरे चीज पढ़ लेते हैं, जो पढ़ना है वो पता ही नहीं रहता है क्या पढ़ना है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो NCERT का जो एक्सरसाइज है, इंडेक्स जो क्वेश्चन है, जो पेज में जो अंदर एक्सरसाइज के पहले, तो वो सब कृपया NCERT के जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड में आपको वही आएंगे, बोर्ड में आपके वही आएंगे, दूसरा कुछ नहीं आने वाला है। डायरेक्ट बोर्ड में उठा करके NCERT के एक्सरसाइज से ही मैक्सिमम क्वेश्चन उठा के दे देगा। मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, कोई भी हो, तो NCERT को जरूर फॉलो करें। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं NCERT का और उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, मतलब प्रत्येक रजिस्टर का 3 ओम वैल्यू है, बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पहला है क्या, ए 4.5 ओम और बी क्या है 2 ओम। मतलब ये बोल कह रहा है ना कि हम लोग, ये क्वेश्चन NCERT का है और बड़ा अच्छा है, मतलब ये लॉजिकल थोड़ा सा है और डायरेक्ट, मतलब इस टाइप के सवाल से बच्चे भागते हैं। कितने मिनट में 36, इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, इससे बच्चे भागते हैं। ये बोला ना कि हम लोग 3 जो रजिस्टर है, तीनों का जो प्रत्येक जो 3 रजिस्टर उसका वैल्यू 3 ओम रजिस्टेंस है, ठीक, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे ना, कि पहले में 4.5 ओम है और सेकेंड बी में क्या है 2 ओम है, कितना 2 ओम, मतलब हम लोग उसको कैसे कंबाइन करें, पैरेलली करें कि सीरीज में करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जिससे कि ए में 4.5 है और बी में 2 ओम है। ओके, हमें पहला केस में 4.5 ओम लाना है और दूसरे केस में 2 ओम लाना है और हमें देखना है कि कैसे कनेक्ट करना है। ओके, देखो हम लोग दो तरीके से अभी अभी पढ़े, सीरीज या पैरेलल। तो हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे कि सीरीज में कैसे होता है और पैरेलल में कैसे होता है। और एक और होता है, हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्सअप करके भी कंबाइन कर सकते हैं, मिक्सअप करके भी कंबाइन कर सकते हैं। 3 है तो किसी दो को सीरीज में कर लेंगे और उसके साथ एक को पैरेलल कर लेंगे, या कोई एक को सीरीज में और दो को पैरेलल में करके भी कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे, पहले देखेंगे सीरीज करके कि सीरीज करने पे 4.5 आ रहा है कि नहीं। तो चलिए, ये R1 हो गया 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये 3 ओम है, ठीक। ओके, तो हमें सीरीज में कनेक्ट किया है, किसमें, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट अभी निकाला था, क्या आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि तीनों है ना, 3 3 दिया हुआ है और सीरीज का भी फॉर्मूला हम लोग देखे थे। तो क्या आ जाएगा, ये 9 ओम आ जाएगा, क्या आ गया 9। अब देखो यहाँ पे चाहिए क्या 4.5, हमारा आया क्या 9, यानी कि हम लोग सीरीज में नहीं ले सकते, यानी कि क्या हुआ, सीरीज में हम लोग नहीं लेंगे। अब दूसरा क्या बचा, पैरेलल, वो भी देख लेते हैं। पैरेलल देख लेते हैं, पैरेलल में आएगा कि नहीं,
ठीक पैरेलल में कंबाइन कर दिया, तो सबका वैल्यू लिख देते हैं, क्या है वैल्यू, थ्री है, थ्री है एंड थ्री है, इधर से करंट जाएगा और ये भी इधर से करंट जो गया वो निकल जाएगा, ओके। और पोटेंशियल ऐड करना है तो करो या नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, ओके। तो ऐसे किए तो हम लोग अभी क्या पढ़ते हैं, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट के हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, तो ये क्या करेगा वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री, ये नीचे क्या आ जाएगा थ्री एंड ऊपर भी क्या आ जाएगा वन प्लस वन प्लस वन, मतलब थ्री वन जा वन थ्री वन जा वन ऐसे करके, और ये हमारा आ जाएगा थ्री बाई थ्री, ये कटने के बाद क्या आ जाएगा वन ओम आ रहा है, देखो कितना आया वन ओम आया, यानी कि ये पैरेलल भी नहीं होगा, पैरेलल भी नहीं होगा, देख लो हमें 4.5 ओम लाना है ना, पहले में 9 ओम आ गया दूसरे में 1 ओम आ गया, यानी कि पैरेलल भी नहीं होगा, यानी कि अब ये तीसरा केस आ गया, क्या हो गया पैरेलल भी नहीं होगा, तो चलो ये इसको भी क्रॉस मार देते हैं, क्या हो गया इसको भी क्रॉस मार देते हैं, अब देखते हैं तीसरा केस कैसे आएंगे, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग। तो तीसरा में क्या करेंगे हम लोग कि सीरीज और पैरेलल दोनों में कंबाइन करके देखेंगे, दोनों में कंबाइन करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं, उसके बाद अगर आ जाएगा तो ठीक है, आएगा ही, दो केस अगर नहीं आए तो तीसरा तो आना तय है, तीसरा आना तय है, मुझे पता है मैंने सॉल्व किया है, तो तीसरा आएगा ही आएगा। तो चलिए तीसरा देख लेते हैं, थर्ड केस देखते हैं क्या होगा, सीरीज एंड पैरेलल दोनों करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल दोनों करेंगे, तो कैसे करेंगे, एक को लिया मैंने ऐसे और यहाँ से इसको पैरेलल कर दिया, क्या कर दिया पैरेलल कर दिया, और ये यहाँ पे मिल गया और फिर ऐसे फ्लो कर लिया, ये कितना है थ्री ओम, ब्लू वाले से लिख देता हूँ, थ्री थ्री थ्री। अब ध्यान से देखिए आप, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों क्या है पैरेलल में, और इन दोनों की ये जो है इन दोनों के साथ क्या है सीरीज में, तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ओके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, दो के लिए है तो चलिए क्या आ जाएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री, यानी कि नीचे थ्री और ऊपर क्या आ गया वन प्लस वन, यानी कि टू बाई थ्री आया। ये क्या है वन अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, यहाँ पे मैं रुकूंगा थोड़ा सा और मैं बता रहा हूँ, हमारे पास क्या आया वन अपॉन आर इक्विवेलेंट के वैल्यू क्या आया थ्री अप टू बाई थ्री, क्या आया टू बाई थ्री, यानी कि हमें क्या चाहिए आर इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू का वैल्यू क्या होता है कट करने पे 1.5, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डेढ़ बोलते हैं ना, ये 1.5 आ गया आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 1.5, चलो ये तो हो गया इसका आया 1.5। अब इससे हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं इसी का, अब इतना जो सॉल्व किए 1.5 तक, उसके बाद का दूसरा जो डायग्राम बनेगा हमारा क्या बनेगा वो देखते हैं, यही होता है जो आप व्हाइट बोर्ड पे और डिजिटल बोर्ड पे, यही फर्क होता है, व्हाइट बोर्ड पे आपको हर बार लिख करके मिटाना पड़ेगा इरेज करना पड़ेगा, बट डिजिटल बोर्ड में ऐसा नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम बचता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को ये जो पार्ट को हमने पैरेलल किया था इसका वैल्यू क्या है 1.5, तो हम लोग इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं, पहले ये जैसे इसको वैसे ही बना देते हैं, और ये जो बन के वैल्यू आ गया 1.3, इसको हम लोग ये करके और 1.5 कर दिए, और ये कितना था 3 ओम था, ठीक ओम भी लिख देते हैं भाई, ओके। तो अब देखो ये क्या हो गया पैरेलल में हो गया, ये 3 ओम एंड 1.5 ओम क्या हो गया सीरीज में आ गया, पैरेलल तो यहाँ पे देख लीजिए, तो सीरीज का क्या हमारे पास फॉर्मूला है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू,
ये आर वन हो गया, ये क्या है आर टू है, ओके। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा, थ्री और प्लस 1.5, यही आएगा ना, 3 और प्लस 1.5, यानी कि R equivalent equal to क्या आ गया 4.5, यही तो हमें चाहिए थी। क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, यही चाहिए थी ना, A में A का सॉल्व कर रहे हैं, A में हमें 4.5 चाहिए था ना, देखो 4.5 ओम आ गया हमारे पास, 4.5 ओम हमारे पास आ गया। फर्स्ट केस के लिए दो क्वेश्चन था ना इसमें, फर्स्ट था 4.5 लाना था और सेकेंड में 2 लाना है, ठीक। तीन तीन ये 3-3 ओम का रेजिस्टर को ऐसे कनेक्ट करना है कि फर्स्ट में 4.5 और सेकंड में 2 लाना था। देखिए पहला में 4.5 ओम आ गया, अब सेकंड का हम लोग निकालेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही आएगा, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों मिला के ही करेंगे तब भी तब जा करके वो भी 2 ओम आएगा, सीरीज और पैरेलल करने के बाद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग देख लिए ना, सीरीज किए थे तो 9 आया था और पैरेलल किए थे तो 1 आया था, तो 2 तो है नहीं, वो नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग क्या देखेंगे कि इसके लिए हम लोग देखेंगे कि फिर इसमें भी हम लोग कनेक्ट करेंगे सीरीज और पैरेलल दोनों में। इस बार देखो क्या करेंगे, इस बार थोड़ा अलग करेंगे, क्योंकि अलग आंसर लाना है तो अलग ही करना पड़ेगा ना। तो चलिए ये सेकेंड बी लाना है, कितना हमें लाना है, 2 लाना है, 2 ओम लाना है, ओके। तो अब क्या करेंगे हम कि एक रेजिस्टर को ऐसे लेंगे, दूसरे को ऐसे लेंगे और दोनों से एक पैरेलल रेजिस्टर लेंगे, ओके। यहाँ ऐसे, ये ऐसे, ये भी एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, और ये हमारा क्या आ गया, 3 ओम एंड 3 ओम। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाले पे देखेंगे तो ये क्या है, सीरीज में है, ये जो है सीरीज में है ना, सीरीज में है, और ये दोनों इसके साथ क्या है, पैरेलल में, ओके। तो फर्स्ट केस में लेते हैं सीरीज में है, यानी कि 1/R1 + 1/R2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, सीरीज में है ना, तो ये तो डायरेक्ट होगा ना, R1 + R2 तो क्या आ जाएगा, 3 + 3 यानी कि 6 ओम आ गया, ये क्या है, सीरीज में, ओके। तो दूसरा डायग्राम इसका बनाते हैं, तो ये बनाएंगे, ये 6 ओम हो गया और उसके साथ ये पैरेलल में बनाएंगे जो कि कितना है, 3 ओम, यानी कि ये दोनों देखो पैरेलल में, ये दोनों क्या है, अब पैरेलल में है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ओके। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, पैरेलल के लिए 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2। R1 कितना है, 6 ओम, R2 कितना है, 3 ओम। चलिए लिखते हैं 1/6 + 1/3, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 3/6 आ गया ना, तो हमारे पास क्या है, 1/R equivalent का वैल्यू 3/6 आया, यानी कि इसको कट करेंगे तो हाफ आएगा, यानी कि हाफ आया। हमें क्या चाहिए, R equivalent चाहिए ना, तो R equivalent कैसे आएगा, इसको उलट देंगे मतलब रिवर्स कर देंगे, तो ये हमारे पास 1/R equivalent का सिर्फ R equivalent चाहिए, तो इसको क्या करें, उलट दिए मतलब वो नीचे चले गए, तो R equivalent कितना था, 1/R equivalent क्या था, हाफ था, तो इसको उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देख लो बच्चों, 2 हमारा आंसर आ गया, बी का 2 आंसर आ गया, ओके। तो ये हमारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छे से यूज करके यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया था, एक ही क्वेश्चन में इतना बड़ा मतलब दो तीन तीन तरीके से सब टेस्ट करके और आंसर लाना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका समझ में आया होगा आप लोगों को, और आप लोग आगे अब इससे जितने भी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो आप लोग करिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़िए, पढ़िए बुक और कुछ दूसरा पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करिए, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है,
बोर्ड में बिना उसका नैया पार नहीं लगती। अगर आपको अच्छा स्कोर करना तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और आप लोग अच्छे से पढ़िए इस टॉपिक को। और आज के लिए इतना, बाकी थैंक यू।